एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 में सी स्टैंडर्ड टर्म 1 को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 तक आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 की है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू वेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू इज 221। तो देखिए दो प्राइम नंबर्स हैं जिसका एलसीएम जो है 221 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। तो इस क्वेश्चन को गहराई को समझिए। देखिए एलसीएम क्या होता है ना। मान लीजिए मैं 2 और 4 का एलसीएम निकालूंगा तो इसका कॉमन फैक्टर 2 हो गया है ना, और अंदर में क्या बचेगा, फिर एक 2 बचेगा। तो 2 × 2 = 4 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन को प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर नहीं है। मान लीजिए मैं 5 और 7 है, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35। मतलब प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पी एंड क्यू, चूँकि पी और क्यू दो नंबर दिए हुए इस क्वेश्चन में, तो दोनों का प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो इसका एलसीएम होगा 221। अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 221 होता है, तो ये दो नंबर हैं 13 और 17, ठीक है। तो 13 और 17 का जो प्रोडक्ट है, 17 × 3 = 51 कैरी 5, और 17 × 1 = 17 और 5 = 22। तो 221 आ गया। तो हम लोगों को पी का वैल्यू मिला यहाँ पे 17, क्योंकि पी ग्रेटर है, पी का वैल्यू क्यू से बड़ा है, तो 17 हो गया और क्यू को क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो पी इक्वल टू 17 और क्यू इक्वल टू 13, हमको पी क्यू का वैल्यू मिल गया। अब जब पी क्यू का वैल्यू मिल गया तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि 3p - q इक्वल टू 3 × 17 - 13 है ना, तो 17 × 3 = 51 - 13, तो 11 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 में 3 जाएगा तो 8, और 4 में 1 जाएगा तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 38, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में 38 कहाँ पे है, ऑप्शन में सी है 38। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।